पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वही लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, 5 महीने बाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सरोजनी नगर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन। समाधान दिवस में कोविड नियमों का पालन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी भी इस समारोह में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 महीने के बाद लखनऊ में समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सरोजनी नगर तहसील में आयोजन हो रहा है समाधान दिवस का और कोविड नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइज करके लोग समारोह में जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए 5 महीने बाद सरोजनी नगर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, 5 महीने के बाद समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सरोजनी नगर तहसील में अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। कोविड नियमों का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे नीरज? जी दीदी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के चलते 5 महीने से संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित नहीं हो रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए। उन निर्देशों का पालन करते हुए आज से तहसील समाधान दिवस का शुभारंभ हो रहा है। लखनऊ की 5ों तहसील में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम अभिषेक प्रकाश स्वयं सदर तहसील में बैठे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी के क्रम में सरोजनी नगर तहसील में उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी के साथ तमाम अधिकारी बैठ के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। गेट से एंट्री बिना सैनिटाइज और टेम्परेचर के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर खुले में कैंप लगाया गया है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकारी बैठे हुए हैं। लोगों को एक गोला चिन्हित करके वन बाय वन लोग सामने पेश हो रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और तमाम अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कर रहे हैं। जी अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज।